आज ओडिशा की परिवर्तन यात्रा भुवनेश्वर में आ पहुंची और इस परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम आपके भुवनेश्वर शहर में हो रहा है। ये जो परिवर्तन यात्रा है ये कई राज्यों में चल चुकी है। आप लोग इधर से लेंगे तो ये बैठे उसको देखिए, जैसे जम्मू काश्मीर में चल चुकी है, हिमाचल प्रदेश में चल चुकी है, पंजाब में चल रही है, हरियाणा में चल चुकी है, दिल्ली में चल चुकी है, उत्तरांचल में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल चुकी है, बिहार में चल चुकी है, बंगाल में चल चुकी है, झारखंड राज्य में चल चुकी है, ओडिशा में आज उसका समापन है और छत्तीसगढ़ में चल चुकी है, मध्य प्रदेश में चल चुकी है, राजस्थान में चल चुकी है, गुजरात में चल चुकी है, महाराष्ट्र में चल चुकी है और जो बचे हुए स्टेट है वो नवंबर महीने में और दिसंबर माह में जब नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पर सर्दी होती है, कोहरा होता है, तो उस समय नॉर्थ इंडिया में परिवर्तन यात्रा चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने दिसंबर माह में जनवरी में ये साउथ इंडिया में चलाने का प्लान बनाया, जिसके तहत कर्नाटक स्टेट और तेलंगाना स्टेट, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरला, उसके बाद पांडेचेरी, ये सारे स्टेट में नवंबर दिसंबर जनवरी में चलने वाली है और गोवा, इसके साथ साथ आसाम, त्रिपुरा, ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट है, लगभग 31 स्टेट है जो सेंट्रल प्रोविंस है, उन लोगों को पकड़कर, केंद्र शासित प्रदेश पकड़कर, ये टोटल 36 प्रदेश है और इस 36 प्रदेश में से 31 प्रदेशों में हमारा संगठन कार्यरत है और यही वजह है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाली। आज़ाद भारत में किसी मजलूम समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों ने और मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बुद्धिस्ट जैन लिंगायतों ने ऐसी कोई परिवर्तन यात्रा आज़ाद भारत में नहीं निकाली, क्योंकि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत होती है और मानवीय संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसी परिवर्तन यात्रा दूसरे लोग नहीं निकाल पाए, हम लोगों ने इसलिए निकाली क्योंकि हमारे पास, जैसे मैं 19 साल की उम्र का था तब से लेकर अभी मेरी 61 ईयर उम्र हो गई है, 41 साल से इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, इस वजह से ये राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तन यात्रा चलाना संभव हो रहा है और ये हम लोग चला रहे हैं। तो ये संगठन इतना बड़ा निर्माण करने की वजह से हम लोग चलाने में कामयाब हुए। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा चलाने के लिए हमारे पास तजर्बा नहीं था, वो तजर्बा हासिल करने के लिए हमने महाराष्ट्र में 42 दिन की परिवर्तन यात्रा 24 अप्रैल 2018 से, जब महाराष्ट्र में 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुआ करती थी, जब समापन का कार्यक्रम हमने किया तो 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुआ करती थी,
इतनी गर्मी में भी हम लोगों ने वो परिवर्तन यात्रा निकाली और महाराष्ट्र के लोगों ने सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, रहने की व्यवस्था, कार्यक्रमों का नियोजन, कार्यक्रमों का प्रोपोगंडा प्रचार, ये सारा का सारा, दिन में 3 कार्यक्रमों का नियोजन, वो सारा का सारा खर्चा महाराष्ट्र का हमारा जो संगठन है उसने किया। हमने एक नया पैसा खर्चा नहीं किया और एक नया पैसा खर्चा नहीं किया, उल्टा महाराष्ट्र के लोगों ने 42 दिन में 45 लाख रुपए का निधि, 45 लाख रुपए का निधि ऊपर से दिया। अभी जैसे उड़ीसा के लोगों ने 1 लाख रुपए का निधि दिया और परिवर्तन यात्रा का खर्चा भी उठाया और अलग अलग जगह कुछ निधि भी दिया होगा, अभी उसका हिसाब किताब होने वाला है, होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा नेटवर्क सारे देश भर में फैला हुआ है, इसकी वजह से ऐसा करना संभव हुआ। इसलिए दूसरे लोग ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई संगठन है नहीं। साथियों, हमारे पास 31 राज्यों में 539 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 6.5 लाख गांवों में से 1.5 लाख गांवों में संगठन का जाल पहले से फैला हुआ है। पिछले साल 17 करोड़ रुपया हमने 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक लोगों ने 17 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए खर्चा किया। तो ये संगठन के बदौलत, इतना बड़ा संगठन बनाने के बदौलत ये करना पॉसिबल हुआ। अब 7 अगस्त 2018 से ये परिवर्तन यात्रा सिवनी मध्य प्रदेश से शुरू हुई और 6 फरवरी 2019 तक लगातार 6 महीने तक ये परिवर्तन यात्रा चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। और इस दौरान 31 राज्यों के 441 जिलों में परिवर्तन यात्रा इस साल पहुंचेगी, अगले साल 556 जिलों में पहुंचेगी और 2024 तक 6 लाख गांवों तक ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी और 6 लाख गांवों का विशाल संगठन इस देश में हम लोग खड़ा कर लेंगे। इस यकीन और विश्वास के साथ ये सारा मामला हम लोग चला रहे हैं। साथियों, इतनी बड़ी ये जो परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने निकाली, ये परिवर्तन यात्रा हमने क्यों निकाली, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। हम लोगों को बताया जाता है, हर साल बताया जाता है कि हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बताता है कि अब आजादी को 70 साल हो गए, फिर 71 साल हो, फिर 72 साल हो गए, यानी अब ये आजादी बूढ़ी हो गई है। 72 साल का मतलब बूढ़ा हो जाना है। तो 72 साल में आजादी बूढ़ी हो गई है, मगर हमें पता ही नहीं है। गांव देहात के आदिवासी को पूछ लो कि आजादी को 72 साल हो गए तो वो कहता है ये आजादी का क्या मतलब है, उसको आजादी का मतलब ही पता नहीं है। ये स्थिति है हमारे देश में। तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण को ये सत्ता सौंप कर चला गया। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। यानी अंग्रेज भारत में थे तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मण स्थापित हो गया है तो
तो हम लोग आज ब्राह्मणों के गुलाम हो गए हैं, गुलामों के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हमारे अनपढ़ और गवार लोगों को पता नहीं है, और अनपढ़ और गवार लोगों को पता नहीं है ये कहना भी गलत है। अनपढ़ और गवार लोगों को पता होगा ये कहना ही गलत है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे शहरों में जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि इस देश में अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। अंग्रेजों के आने की तारीख पता है, अंग्रेजों के जाने की तारीख पता है, ब्राह्मणों के आने की, यूरेशिया से ब्राह्मण आया है, बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे लंदन से इंग्लैंड से अंग्रेज आया था, वैसे यूरेशिया से ब्राह्मण आया है। अंग्रेज भी विदेशी है और ब्राह्मण भी विदेशी है। तो ब्राह्मणों के आने का पता है, मगर ब्राह्मणों के जाने का कोई पता नहीं है। वो लोग यहाँ अभी जमे जमाए हैं और हमारे लोगों पर हुक्म कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। और ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो कानून है, उसके अनुसार कोई विदेशी किसी दूसरे देश पर राज नहीं कर सकता, मगर ब्राह्मण जो विदेशी है वो भारत पर राज कर रहा है। बहुत लोगों को जब मैं ये कहता हूँ तो मोहरे हमारे ही बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेश्राम जी, देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण कहाँ है? ये तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, ये तो पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री है। मगर ये जो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। और नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता ये नॉमिनेटेड का क्या मतलब है। तो मैं आप लोगों को दूसरी भाषा में बताना चाहता हूं, ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है, ये ब्राह्मणों ने रख लिया। जैसे गांव देहात में कोई आदमी शादी करके अपने घर में बीवी लाता है, औरत लाता है, तो दूसरे आदमी को परिचय देता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है, और फिर दूसरा आदमी पूछता, भाई ये कौन है? अरे तो ऐसी रखी हुई है, ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। तो ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों ने ऐसे ही रखा हुआ है। अब थोड़ा सा समझ में आप लोगों के आया है, हमारे लोगों के समझ में भी आने के लिए दिमाग की बहुत बड़ी समस्या है। 2-3 हजार साल से हमारी दिमाग की जमीन को सालों ने बंजर रखा, अब इसमें फसल आएगी इतना आसानी तो है नहीं, जो बंजर जमीन में फसल थोड़ी आती है। तो इसलिए ये समस्या है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, और ये समझ में नहीं आता इस वजह से जो करना चाहिए वो कर नहीं देते, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, वो बहुत अहम है, कि आज ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज भारत पर थोप दिया है। आज ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज भारत पर थोप दिया है, और थोपने के लिए उन लोगों ने कानून और संविधान के विरोध में जाकर ऐसा किया, कानून और संविधान के विरोध में जाकर ये काम उन्होंने किया। ये बात साथियों हमको समझना जरूरी है, कानून और संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ, और संविधान कानून के विरोध में जाकर 3.5% ब्राह्मणों ने ये सारे देश पर के कब्जा कर लिया है।
अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव हो गए होते तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, ओडिशा में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि 10-20 गांव में एक आध ब्राह्मण होता होगा। आपके तो मैं जिस गांव का रहने वाला हूं उस गांव में एक ब्राह्मण है और उसके पास 13 गांव का ठेका है। इसका मतलब यह है कि 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं है। आपके ओडिशा में भी ऐसे होगा। तो इसलिए ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इन ब्राह्मणों ने सारे देश पर कानून और संविधान के विरोध में जाकर के कब्जा कर लिया है, अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया होता ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत का ये लोग ब्राह्मण पंच नहीं चुन सकते। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग इस देश में ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं, ये स्थिति है। 2004 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने चुनाव जीता और कांग्रेस के ब्राह्मणों ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया था, मगर प्रधानमंत्री की अथॉरिटी प्रणब मुखर्जी के पास थी। 67 जीओएम में से 63 जीओएम का चेयरमैन अकेले प्रणब मुखर्जी था। सारे राजनीतिक फैसले प्रणब मुखर्जी लेता था, बंगाली ब्राह्मण, और प्रधानमंत्री दिखाने के लिए मनमोहन सिंह था। इसलिए मैं उस समय कहता था he is not a real prime minister of India, he is a nominated prime minister of India and nominated by Brahmin and those who nominate, जो नॉमिनेट करते हैं उनकी सत्ता होती है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसकी सत्ता नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के दूसरे दिन उसने फैसला किया पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। गांव में किसी की शादी होती है और लड़का बारात लेकर जाता है लड़की के घर में, पता नहीं ओडिशा में ऐसा होता कि नहीं होता, लड़की वाले लड़के के घर में जाते हैं या लड़के वाले लड़की के घर में जाते हैं आपके यहाँ? लड़का वाला ही जाते हैं ना। चलो ठीक है, हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, कहीं कहीं कुछ और होता होगा, इसलिए पूछना जरूरी है, हर एक की अपनी परंपरा होती है। तो लड़की वाला जो पिताजी है वो लड़के वालों को पूछता है भाई कितने बजे पहुंचोगे बारात लेकर और कितने लोग बारात में लेकर आ रहे हो। लड़के वाला पूछता है क्यों पूछ रहे हो? अरे इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे आपका आंकड़ा पता चलेगा तब तो मैं खाना पकाऊंगा, इतना चावल इतना रोटी इतना दाल इस हिसाब से पकाऊंगा ना। तो लड़के का बहा बोलता हाँ ये बात बराबर है। तो शादी में लड़की का पिता पूछता है तो लड़के वालों को बताना पड़ता है ये सारा देश एक परिवार है और परिवार का मुखिया अगर नरेंद्र मोदी है तो क्या उसको पता है पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है? और अगर पिछड़े वर्ग की संख्या उसको पता नहीं है तो पिछड़े वर्ग के विकास के बारे में वो फैसले कैसे करेगा? वो तो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के बारे में एक नए पैसे का बजट नहीं दिया, एक नए पैसे का बजट नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री। 314 बच्चे आईएएस आईपीएस आईआरएस परीक्षा पास किया, एक आदमी को पोस्टिंग नहीं दिया, पिछड़े वर्ग का कमीशन रद्द कर दिया और बाद में कहा इसको संवैधानिक दर्जा दिया। अरे शेड्यूल कास्ट के कमीशन को संवैधानिक दर्जा पहले से मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के कमीशन को पहले से संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, वो कमीशन वालों को कुत्ते नहीं पूछते। आदमी तो बहुत दूर की बात है, बेरा साहब को पूछ लेना।
वो कमीशन को कुत्ते नहीं पूछते। अब दो चार कुत्ते ने अगर पूछ भी लिया तो कुत्ते को वोट का अधिकार थोड़ी होता है। आपने कभी सुना कि कुत्ता 18 साल जीवित रहता है? क्योंकि 18 साल के बगैर वोट का अधिकार तो मिलता नहीं है। तो हो एक कमीशन वाले को जिसको संवैधानिक दर्जा एससी एसटी के कमीशन को है, उनको कोई कुत्ता नहीं पूछता। अगर कल ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, कौन कुत्ता पूछेगा उसको? ये नरेंद्र मोदी कह रहा है। और अभी पता चला 2021 को जाति आधारित गिनती करेगा। 2021 को उसको पूछना, 2019 को चुनाव है तो प्रधानमंत्री दोबारा बनेगा तब न करेगा 2021 को। 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा उसके बाद तू करेगा, यही ना तू कहना चाहता है? तो तू अब तो प्रधानमंत्री है तो अब कर ले, अब कर ले ना। एक दिन में के चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, 24 घंटे में गिनती कर दिया। अगर एक तेलंगाना स्टेट में 10 जिले है, 10 जिलों की गिनती 24 घंटे में कर दिया। अगर स्टेट के मुख्यमंत्री ने एक दिन में गिनती कर दिया, प्रधानमंत्री के पास सारे देश के कर्मचारी है, वो चाहे तो 8 दिन में सारे देश की गिनती कर सकता है, करवा सकता है। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अभी बहुत सारा समय है। वो चाहे तो 8 दिन में गिनती कर सकता है, गिनती कर नहीं रहा है और कह रहा है 21 को करूंगा। अबे साले अभी नहीं किया तो 21 को करेगा है? अभी नहीं किया 21 को करेगा? तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? ये सारे पिछड़े वर्ग के विरोध में, ओबीसी के विरोध में ये सारे फैसले ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ले रहा है। ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया ब्राह्मणों ने, और ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के विरोध में फैसले कर रहा है। क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता? चलो एक उदाहरण देता हूं। आप ओडिशा में गधे से गधा आदमी ढूंढ लो। गधा होता है ना ओडिशा में, है? गधा जानवर होता है, तो कभी कभी लोग बोलते हैं ये भी आदमी भी गधा है। तो गधे से गधा आदमी ढूंढ लो और उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो और कुल्हाड़ी देकर कहो कि तुम्हारा ये जो राइट पैर है, तुम्हारे हाथ से तुम्हारा राइट पैर काट दो। तो गधे से गधा आदमी है वो क्या कहता है? गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं हो। गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं हो कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट दो। तो जितनी अकल गधे को है या गधे से ज्यादा गधा है उसको है, तो नरेंद्र मोदी को अकल नहीं है? ऐसे कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को अकल नहीं है? नरेंद्र मोदी के पास भी अकल है, नरेंद्र मोदी को भी समझ में आता है, इसलिए ये निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिए हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के पास है, वो फैसले कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम में प्रचार में लाए जा रहे हैं। ये बात, ये वास्तविक स्थिति है। क्योंकि इनका जो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा एक बार कहता हूं, जब पहली बार ये वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए गया था तो वहां जाने के बाद क्या कहा? मैं यहां आया नहीं हूं, गंगा जी ने बुलाया, मैं नहीं आया, गंगा जी ने बुलाया। यानी जो गंगा नदी है, कहा कि गंगा जी ने बुलाया, मैं आया नहीं हूं, गंगा जी ने बुलाया है। और कहा एक गंगा मेरी मां है। तो हमारे आदमियों ने कहा उसकी मां का नाम गंगा होगा, हमारे देश में गंगा नाम होता है। और तो चलो जान छोड़ो, इसके झंझट में पड़ेंगे, साला रोजी रोजगार फंस जाएगा। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसके मां का नाम गंगा होगा भैया,
काय को झंझट करने का है। कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में भाजपा की मीटिंग हुई और कहा भाजपा भी मेरी मां। तो एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा, देखा मैं पहले बताया था ना, इसके झंझट में पड़ोगे तो आदमी झंझट में फंस जाएगा। ये पता नहीं और कितनी बार मां कहेगा और किसको मां कहेगा पता नहीं है। फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने कहा भारत माता भी मेरी मां है। तो लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी मथुरा गया तो मथुरा में गंगा नहीं है, जमुना है। कहा जमुना भी, गंगा तो है ही है, जमुना भी मेरी मां है। होगी चार ठो मां। तो लोगों ने कहा चार ठो मां, अरे चलो यार हो सकता है चार चार मां हो सकता है। तो किसी ने कहा अरे ठीक है चार मां हो सकता है, एक ठो बाप तो होना चाहिए भाई, बगैर बाप से आदमी वैसा कैसे हो सकता है, एक तो बाप होना चाहिए, बगैर बाप के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी केवल मां के बारे में बात करता है, बाप के बारे में बात ही नहीं करता। प्रधानमंत्री बनने के बाद साल पूरा हो गया, दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद मोहन भागवत और उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग मीटिंग में आए। नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रिमंडल के लोगों को आदेश दिया आरएसएस के मीटिंग में जाना होगा, और उस मीटिंग में जो आरएसएस के लोग पूछेंगे उसका जवाब हर मंत्री को देना होगा। जब ये खबर छपकर आई तो हम लोगों ने ये देखा, मैं ये जानता ही था तो मैंने संविधान देखा, संविधान में लिखा हुआ है देश का एक प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होगा। अगर सांसद संसद में सवाल पूछेंगे तो हर मंत्री को बंधन कारक होगा, हर सांसद का संसद में जवाब देना अनिवार्य होगा, ये लिखा हुआ है। और कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आरएसएस के लोग मंत्री को सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना होगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो आदेश निकाला ये संविधान के विरोध में है, और सारे मंत्री लेकर गया। और जाने के बाद नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिर पड़ने के बाद में एक खबर आ गई, और खबर आने के बाद फिर हमें पता चला कि ये आदमी बाप के बारे में क्यों नहीं बोलता था। जब उसके चरणों में चढ़ गया, पड़ गया, गिर गया तो पता चला है अच्छा ये उसका बाप है, ये बात थी, इस वजह से ये जो आदमी है ये बाप के बारे में नहीं बोल रहा था, ये उसका असली कारण है। जब मैंने सारे देश भर में ये बोलना शुरू कर दिया, सारे देश भर में बोलना शुरू कर दिया, दूसरा साल आ गया। दूसरा साल आया, मैं देख रहा था कि आरएसएस के लोग दोबारा मीटिंग बुलाते हैं क्या, देख रहा था। दोबारा मीटिंग आरएसएस ने नहीं बुलाई और नरेंद्र मोदी दोबारा मीटिंग में नहीं गया, तो मुझे पता चला कि मैंने जो तीर चलाया था वो निशाने पर लग गया है। मैंने जो तीर चलाया था वो तीर निशाने पर लग गया कि प्रधानमंत्री को मेरी वजह से आरएसएस के मीटिंग में जाना बंद करना पड़ा और मोहन भागवत को ऐसे मीटिंग आयोजित करना भी बंद करना पड़ा। ये संविधान के विरोध में आचरण था दोनों का। ये जानकारी जब मैंने देना शुरू कर दिया तो ये दोनों को बंद करना पड़ा। साथियों, लोकतांत्रिक तकाजे होते हैं, संविधान के अनुसार देश चलेगा, किसी और के अनुसार देश नहीं चलेगा। तो इस तरह से एक बैकवर्ड को देश का ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री बनाया, मगर उसका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। इससे सिद्ध होता है कि देश में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज सारे भारत और भारतीय लोगों पर थोप दिया है।
ये बात समझना जरूरी है, इसलिए बात आपको बता रहा। दूसरी बात, इस देश में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित करने के बाद ब्राह्मणों ने लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। 2009 के चुनाव में ब्राह्मणों की जो 5 पार्टियां है, पहली पार्टी नेशनल पार्टी कांग्रेस, दूसरी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवी तृणमूल कांग्रेस, ये सारी की सारी ब्राह्मणों की पार्टियां है, ब्राह्मणों ने बनाई है, ब्राह्मण उसके प्रमुख है। हमारे पढ़े लिखे लोगों को जानकारी नहीं है, ये जानकारी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, कागज में नोट करना चाहिए, और हर जगह हर चौराहे पर जहां भी आप बोल सकते हो बोलना चाहिए, ये फैक्ट है, ये लोगों को बताना चाहिए। अखबार वाले टीवी वाले ये बात बता नहीं रहे, आप लोगों को बोलना चाहिए। तो इस तरह से 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, जिनकी संख्या 3.5% है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा हुआ है 6% वोट, जिस पार्टी को 3 राज्यों में पढ़ेंगे वो पार्टी नेशनल लेवल की मानी जाएगी, मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। 3.5% से एक भी पार्टी नेशनल लेवल की नहीं हो सकती। 5-5 पार्टियां ब्राह्मणों ने नेशनल लेवल की बनाई, कानून और संविधान के विरोध में जाकर। मुसलमानों की संख्या देश में 15% है। मैंने मुसलमानों को पूछा, अरे 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, तुम्हारी कितनी है? तो मुसलमानों ने कहा, हमारी तो एक भी नहीं है। ब्राह्मणों की 3.5% वालों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां, और मुसलमानों की 15% संख्या है, एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून और संविधान के विरोध में जाकर इस देश में ब्राह्मणों ने पार्टियां बनाई, और इन पार्टियों के द्वारा ब्राह्मण राज भारत में स्थापित कर दिया। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। 99 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, 2004 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने चुनाव जीता और कांग्रेस का राज आया, 2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीता कांग्रेस का राज आया, 2014 में बीजेपी ने चुनाव जीता बीजेपी का राज आया। इसका मतलब है बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। ए ब्राह्मण राज भारत पर स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है, ये कानून और संविधान के विरोध में है। अगर एक ब्राह्मण की पार्टी चुनकर आती, दूसरे चुनाव में किसी शूद्र की पार्टी चुनकर आती, तो हम मानते देश में लोकतंत्र है। ब्राह्मणों ने लोकतंत्र को भी खत्म कर दिया। 2009 में ब्राह्मणों के पार्टी की 375 सीटों पर कब्जा था। संसद में कोई भी कानून पास करने के लिए 366 सीटें चाहिए, उनके पास 375 सीटें थी। कानून बनाने के लिए और ज्यादा सीटें थी, ये किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं, बना सकते नहीं, बना रहे हैं, और वो हमारे लोगों पर थोप रहे हैं। साथियों, 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा हो गया, कब्जा कर दिया। ए सारे डाटा इलेक्शन कमीशन का, लोकसभा सेक्रेटरिएट का डाटा आपको बता रहा हूं, और मैं कभी कोई बगैर सबूत के कोई बात करने का आदि नहीं हूं। इस सबूतों के साथ सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं, इसे समझना होगा। इसके द्वारा इन लोगों ने लोकतंत्र को भी हाईजैक कर दिया। आज विधायिका पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है, कार्यपालिका में आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी 79.2% अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। ये आंकड़ा शरद यादव ने मुझे उनके घर में दिया, राज्यसभा में उन्होंने आंकड़ा मांगा, वो आंकड़ा मांगा।
तीसरा है जुडिशियरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 97% जजेस ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोग है। चौथा पिलर है लोकतंत्र का मीडिया। मीडिया चार प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपती है ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया में मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, सारा का सारा कब्जा है। चौथा मीडिया होकल मीडिया, जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूँ और भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, इस देश में 7,500 बोली बोली जाती है जिसकी कोई लिपि नहीं है, सरकार की मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है। अगर चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है तो आज के तारीख में लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया गया है। और ये जो आज आप देख रहे हो, ये ब्राह्मण तंत्र है, लोकतंत्र भी खत्म कर दिया गया है। हमारे लोगों को जब ये कहा जाता है, अरे इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया, तो लोग मेरे पास आते तो कहते हैं, मिश्राम जी आप गलत बोल रहे हो। इनका क्या गलत बोल रहा हूं? कहा कि हमारे देश में तो हर 5 साल बाद चुनाव होता है और आप कहते लोकतंत्र खत्म कर दिया, तो मैं कहता हूँ गधे, पढ़े लिखे गधे, तेरे को इतनी अकल है, केवल इतनी अकल है कि तू ये मानता है चुनाव होता है यानी लोकतंत्र है, यही ना तेरी अकल है। चुनाव होता है इसका मतलब लोकतंत्र है, चुनाव माने लोकतंत्र नहीं है। चुनाव राजाशाही को खत्म करके, राजाशाही को खत्म करके लोकतंत्र आया। राजाशाही में राजा का एकाधिकार होता था, लोकतंत्र में किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। मगर ब्राह्मणों ने लोकतंत्र में भी ब्राह्मणों का एकाधिकार स्थापित कर लिया। जब लोकतंत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया तो ये तंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, ये ब्राह्मण तंत्र हो गया। ये हमारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। वो ये कहते हैं चुनाव होता है इसका मतलब लोकतंत्र है, इतना ही अकल है हमारे लोगों को, ज्यादा अकल नहीं है। साथियों, इस वजह से अब लोगों की समस्या इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस चौकी का जो इंचार्ज है वो हमारा एफआईआर नोंद नहीं करता, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर नोंद नहीं करता। जो क्लास 3 पोस्ट का आदमी है वो हमारा एफआईआर नोंद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, एफआईआर नोंद करो। ये नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दाखिल करने का आदेश देना पड़ता हो, उस देश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो गई हो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए साथियों, इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर अन्याय हो रहा है, वो नॉमिनेटेड ट्राइब के लोगों पर अन्याय हो रहा है, एमबीसी के लोगों पर अन्याय हो रहा है, ओबीसी के लोगों पर अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी के लोगों पर अन्याय हो रहा है, मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है, क्रिश्चनों पर अन्याय हो रहा है, सिखों पर अन्याय हो रहा है, बुद्धिस्ट पर अन्याय हो रहा है, जैनों पर अन्याय हो रहा है, लिंगायतों पर अन्याय हो रहा है, सारे लोगों पर अन्याय हो रहा है। और ये सारे के सारे लोग अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। और अगर ये सारे के सारे लोग अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं, लड़ने वालों की संख्या 85% है, लड़ने वालों की संख्या 85% है। 85% लोगों की इस देश में पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, और 3.5% ब्राह्मण इनकी पिटाई और कुटाई कर रहे हैं। नहीं कर सकते, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, और 15 अगस्त 1947 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है।
शासक वर्ग समझते हो? शासक वर्ग का मतलब है उसके नियंत्रण में मिलिट्री है, उसके नियंत्रण में पैरा मिलिट्री है, उसके नियंत्रण में एसआरपी, सीआरपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस फोर्स, ये सारा फोर्स उनके नियंत्रण में है। ब्राह्मण हमारे घर में आकर हम पर डंडा नहीं चलाता है, वो पुलिस को आदेश देकर पुलिस के द्वारा डंडा हमारे लोगों पर चलवाता है, क्योंकि उसके नियंत्रण में फोर्स है। इसलिए हमारे लोगों की पिटाई हो रही है, हम 85% लोग लड़ रहे हैं मगर किसी को सफलता नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही सफलता? क्योंकि हम अलग 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 लड़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट अलग लड़ रहा है, शेड्यूल टाइप अलग लड़ रहा है, नॉमिनिक टाइप अलग लड़ रहा है, एमबीसी अलग लड़ रहा है, ओबीसी अलग लड़ रहा है, मुसलमान अलग लड़ रहा है, क्रिश्चियन अलग लड़ रहा है, सिख अलग लड़ रहा है, बुद्धिस्ट अलग लड़ रहा है, जैन अलग लड़ रहा है, लिंगायत अलग लड़ रहा है, सभी लोग अलग 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 लड़ रहे हैं। जब तक ये अलग अलग लड़ते रहेंगे तब तक इनकी कुटाई पिटाई होती रहेगी, इनकी कुटाई और पिटाई बंद होने वाली नहीं है। इनके कुटाई और पिटाई बंद करना चाहते हो, बंद करने का एकमात्र तरीका है, वो तरीका ये है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर लड़ना होगा। और इकट्ठा करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, ये बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अलग अलग संगठन हैं, आप लोगों को तहसील में हमने प्रयोग किया महाराष्ट्र में, और मंगरोलपीर में मैंने पूछा भाई इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं तहसील में तो क्यों हो गए, तो कहा 46 संगठन इकट्ठा किया। फिर कारंजा गया तो कहा कितने संगठन इकट्ठा किया, कहा 56 संगठन इकट्ठा किया। इसका मतलब यह है कि तहसील में माइक्रो लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्मॉल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मध्यम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन सबको अगर आप इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने के लिए किसी को अपना झंडा डंडा एजेंडा छोड़ने की जरूरत नहीं है, विलीन करने की जरूरत नहीं है, अपना झंडा डंडा एजेंडा बरकरार रखो और ए प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर जब लड़ाई लड़ने का मुद्दा आएगा इकट्ठा लड़ेंगे। अगर आप अलग अलग पुलिस चौकी पर जाते हो तो पुलिस वाला तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडा लगा देता है, अगर सारे संगठन तहसील के मिलकर इकट्ठा होकर जाओ पुलिस वाला तुम्हारा स्वागत करेगा और बोलेगा आओ आओ आओ, स्वागत करेगा और बोलेगा पुलिस वालों को अरे कामले, अरे ये फलाने ढिकाने, अरे ये अगले चुनाव में एमएलए बनने वाला है, ध्यान रख कि सारे इकट्ठा हो गए, कल इनको हमको नमस्कार करना पड़ेगा और नमस्कार करने के बाद इनके पास हमको प्रमोशन के लिए जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, अरे दो चार चाय ले आ भाई, इसको चाय भी पिला देगा। इकट्ठा होकर जाओगे तो नहीं जाओगे तुम्हारे पिछवाड़े पर दो डंडे लगा देगा, और अगर मुसलमान गया तो डंडे नहीं मारेगा, बोला इसको अंदर करो, पहले इसको अंदर करो, उसको अंदर कर देता है। फिर कांस्टेबल चौकी इंचार्ज के पास आता है, इंचार्ज को पूछता है अंदर तो कर दिया कौन से दफा में कर दे, तो इंस्पेक्टर कहता है सरकारी कामों में हस्तक्षेप, साले को अंदर डाल दे, जमानत हो जाएगी, देखेंगे जब जमानत होगी तब बाहर जाएगा ना। हमारे लोगों तो ये भी पता नहीं है साली जमानत कैसे लेना है, हमारे लोगों को ये भी पता नहीं कि गैर कानूनी अगर कोई दफा लगाया जाए तो पुलिस इंस्पेक्टर पर पेश किया जा सकता है, ये तो हमारे लोगों के दिमाग में नहीं आता। अभी गुजरात में मेरे खिलाफ गलत दफा लगाया, अब उनको मालूम नहीं है मेरे साथ पंगा लेने का क्या मतलब है, अब उन लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया, क्योंकि मेरे से पंगा लेगा तो फिर तो उसको भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि कानून एक धार की तलवार नहीं है, हाई कोर्ट के लॉयर है, ये तो दो धार की तलवार है, इधर भी दोनों धारा में चलती है, ये तो चलाने वाले की योग्यता पर निर्भर है।
संविधान हमारे समर्थन में है, व्यवस्था हमारे विरोध में है, तो कानून का उपयोग करने का हुनर सीखना होगा। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसा संगठन इकट्ठा करो, एक तहसील में मिनिमम 50 संगठन और मैक्सिमम 100 संगठन इकट्ठा करोगे, 5000 तहसील में 2.5 लाख संगठन मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख संगठन इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। साथियों, आजादी के आंदोलन में हम लोगों को ब्राह्मणों के द्वारा ये कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कहा जाता था कि अंग्रेजों के पॉलिसी है, और पॉलिसी ये थी अंग्रेजों की, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में लोगों को बांटा था। अंग्रेज आने के 2-2.5 हजार साल पहले ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आए और ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो मुझे किसी ने पूछा, अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है कि ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है? मैंने कहा अभी बता देता हूं, 6000 को 2 से भागाकार कर लो। कहा कि कौन से 2 से? कि ये 2 हिंदू मुसलमान 2 से भागाकार कर लो, 6000 से 2 का भागाकार कर लो, आंकड़ा निकलता है 3000 का। तो ब्राह्मण 3000 गुना अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, ब्राह्मण 3000 गुना ब्राह्मणों से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली, ये परिवर्तन यात्रा 6000 जाति के टुकड़ों में जो बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए नहीं, 1700 जातियां शेड्यूल कास्ट की है, 900 जातियां आदिवासियों की है, 3743 जातियां ओबीसी की है, 6000 से ज्यादा जातियां है। ये जो 6000 से ज्यादा टुकड़े हैं ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए हैं, ये 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाना होगा। पहला कार्यक्रम है परिवर्तन यात्रा का, जगाना होगा, जगे हुए जातियों के लोगों को जोड़ना होगा। पहला कार्यक्रम है जगाना होगा, ध्यान रखो, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा। शक्ति का निर्माण क्यों करना होगा? ये 72 साल में भारत पर कब्जा करने वाले ब्राह्मण तगड़े हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं। ये ताकतवर लोगों से कमजोर लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, लड़ाई लड़ना है तो शक्ति का निर्माण करना होगा और निर्मित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। मुझे जब गुजरात में अरेस्ट किया, सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन किया, तो मजबूर होकर उनको छोड़ देना पड़ा। ताकत का, शक्ति का इस तरह से उचित समय पर उपयोग और प्रयोग करना होगा। ये तो छोटा प्रयोग किया, अभी 2024 में 25% भारत सड़क पर ही उतर जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं रहेगा इधर उधर जाने के लिए। ब्राह्मण बोलेगा, यार मुझे पाकिस्तान जाना है तो थोड़ा रास्ता दे दो, पाकिस्तान जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा। ये सारे लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हमारे लोग सारे हर जगह है, 85% लोग है, मगर असली लड़ाई जो है 15% से नहीं, 3.5% से है। महाराष्ट्र का राजवाड़े नाम का ब्राह्मण ने लिखा, वास्तविक शासक वर्ग ब्राह्मण ही है, वास्तविक शासक वर्ग ब्राह्मण ही है। क्षत्रिय और वैश्य तो ब्राह्मणों को शासक वर्ग बनाने में केवल मदद करते हैं। तो 15 की बात हम करते हैं, मगर वास्तविक लड़ाई 3.5% से ही है, ध्यान रख लेना। तो ऐसा करना होगा, इस सारे लोगों को इकट्ठा करना होगा। आने वाले समय में इस काम को सफल करने के लिए आपका साथ सहयोग लगेगा। परिवर्तन यात्रा 2018 में चली तो
तो अगले साल बंद हो जाएगी नहीं, 2024 तक चलने वाली है। 6 लाख गांव तक संगठन जब तक नहीं बनेगा तब तक चलती ही रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं है। एक विशाल संगठन निर्माण करेंगे, जन आंदोलन होगा, जन मुक्ति होगी, ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मोहम्मद मिश्राम साहेब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। आपने बहुजन क्रांति मोर्चा के जो उद्देश्य है और जो आगे कार्यक्रम में सारे हम लोगों को बता दिया। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ 20 बसमती मुंडा एवं साथी से मैंने आसी